और वो लोग जहां से मोदी ताल्लुक रखते हैं, वो पार्टी जिनकी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भला इस आशातीत सफलता से क्यों खुश नहीं होगी? सुनाते हैं आपको बीजेपी का तर्क। मैं ये महसूस करता हूं कि भारत के लोगों में, करोड़ों करोड़ों लोगों में इसने कॉन्फिडेंस जनरेट किया है, इसने एक विश्वास जनरेट किया है, इसने एक आत्मविश्वास बढ़ाया है कि भारत आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा और 21वीं शताब्दी का भारत सबसे मजबूत भारत बनकर के दुनिया में आएगा। इस तरीके का उन्होंने इसमें से संदेश दिया है। स्वाभाविक रूप से जब विश्व के पास वर्कफोर्स नहीं होगा, तब हम अर्थात हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश होगा जो वर्कफोर्स देगी। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब देखिए किस प्रकार से आज मोदी जी ने, चाहे गंगा का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार समाप्त करने का विषय हो, चाहे सफाई का विषय हो, चाहे आज अमेरिका में महात्मा गांधी को पुनर्जीवित करने का विषय हो, प्रत्येक बिंदु को मोदी जी ने एक मंत्र के रूप में अमेरिका में उठाया है। और सुन लेते हैं कांग्रेस को भी। कांग्रेस को इतना कुछ होने के बावजूद कुछ नया नजर नहीं आ रहा है। तो अभी तक की परंपरा ये रही है कि जब प्रधानमंत्री विदेश में होता है तो हम विपक्ष के लोग भी उनकी आलोचना नहीं करते, ताकि जब वो भारत विदेश की धरती पर होते, लेकिन उन्होंने शायद इस परंपरा को तोड़ा है कि उन्होंने विदेश में जाके और भारत के विपक्ष की आलोचना की है। तो ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस से हमेशा बहुत, मतलब कांग्रेस को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्सेस्ड रहते हैं। एक नीति ऐसी बता दो जो उन्होंने कांग्रेस की नीति को उन्होंने एक्सेप्ट न किया, वो स्वीकार न किया, उसको लागू न करवा दिया, वही सारी नीतियां उन्होंने लागू की हैं। और जितने बिल कानून पार्लियामेंट में कांग्रेस सरकार के बनाए हुए पेंडिंग थे, सबको पास कराने, अभी तक जितने बिल पास हुए सब कांग्रेस सरकार के बनाए हुए हैं, उन्हीं को बिल को पास, तो कांग्रेस के रास्ते से हट कहाँ रहे हैं? भारतीय मूल के लोग हैं, उनको परमानेंट वीज़ा देना एक अच्छा कदम है, उसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन उनके भाषण में कोई नई बात नहीं मुझे नज़र आई। जब जब वो अहमदाबाद का नाम जबान से लेते थे तो तालियां बहुत ज़्यादा बजती थीं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि एक मैनेज्ड प्रोग्राम था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वर्कर्स वहाँ उस भीड़ के अंदर मौजूद थे, उसे पूरे तरीके से मैनेज किया गया था। वहाँ पे मुसलमानों को एक अलहदा कोने में बिठाया गया था, जिसको मुझे बहुत अच्छा नहीं